नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन खबर में। दोस्तों, आज की कहानी उस कोरोना काल के समय की कहानी है कि जब कोई व्यक्ति संक्रमण से मरता था तो पता भी नहीं चलता था कि उसका अंतिम संस्कार किसने किया। इतनी ज्यादा दहशत थी। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इस बात का भरपूर फायदा उठाया। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2010 से। भोपाल के रहने वाली हर्षा अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। 2010 तक उसके सभी भाई बहनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच उसके पिता का देहांत हो जाता है। हर्षा के पिता का एक ही सपना था कि वो अपने जीते जी हर्षा की शादी देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ऊपर से हर्षा की माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वो चाहती थी कि उनके जीते जी हर्षा की शादी किसी तरह से हो जाए। और इसी वजह से लड़के की तलाश शुरू हो जाती है, कई रिश्तेदारों को खबर दी जाती है, और आखिरकार एक रिश्तेदार दिल्ली में किसी राहुल शर्मा के बारे में बताता है। बताया जाता है कि राहुल दिल्ली में मोबाइल शॉप चलाता है, उसका फ्लैट भी है, बढ़िया तरीके से सेटल्ड है। इसके साथ ही लड़के की फोटो भी भेजी जाती है, लड़का दिखने में भी ठीक ठाक था। आखिरकार रिश्ता तय हो जाता है और जनवरी 2011 में राहुल और हर्षा की सगाई हो जाती है। शादी की मुहूर्त 2011 मार्च में रखी जाती है। अब दोनों की सगाई हो चुकी थी। इसी बीच हर्षा के पास राहुल का फोन आता है। वो कहता है कि मुझे 80,000 की बाइक चाहिए, नहीं तो शादी नहीं हो पाएगी। हर्षा इस बात को सुनकर यही सोचती है कि जो लड़का पहले ही दहेज की डिमांड कर रहा है उससे शादी करना ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर सगाई हो चुकी थी। इसके बाद हर्षा की माँ उसे समझाती है और हर्षा शादी के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद लड़के को 80,000 की बाइक के साथ साथ 3 लाख रुपए कैश भी दिए जाते हैं। अब हर्षा शादी होकर दिल्ली पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शादी के पहले बताया गया था कि राहुल के पास मोबाइल शॉप है, फ्लैट है, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसका पूरा परिवार दिल्ली में एक टपरी नुमा घर में रहता था। यह सब देखकर वो हैरान हो जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लेती है। कुछ दिनों तक तो उनकी शादी बढ़िया चलती है, लेकिन इसके बाद राहुल हर्षा के साथ मारपीट करने लगता है, फिर से दहेज की डिमांड करने लगता है। जब कभी भी वो नशे में होता है तो हर्षा के बाल पकड़ पकड़ कर उसे मारता था, उसे घर से निकाल दिया करता था, लेकिन हर्षा कब तक सहन करती। एक दिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ, वो इसी तरह नशे में आया, हर्षा के साथ मारपीट करने लगा। लेकिन इस बार हर्षा ने हिम्मत जुटाई और अपने पति से बोले कि आज तुझे जेल भिजवाऊंगी। लेकिन तभी पड़ोसियों ने उसे समझाना शुरू कर दिया कि ऐसा कदम मत उठाओ, नहीं तो बदनामी होगी, नई नई शादी है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुलिस की धमकी से राहुल कुछ दिनों तक तो शांत रहा, लेकिन उसके बाद फिर वही सिलसिला शुरू, फिर वही मारपीट। लेकिन इस बार हर्षा ने पुलिस बुला ली और पुलिस ने घर का मामला समझकर उसमें ज्यादा दखलअंदाजी नहीं की। शादी को 2 महीने बीत चुके थे, हर्षा प्रेग्नेंट हो चुकी थी और वो यही सोच रही थी कि शायद बच्चा होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, राहुल सुधर जाएगा। लेकिन उसकी सोच बिल्कुल गलत थी। दहेज के लिए वो हर रोज उसे मारता पीटता था, क्योंकि आप भी जानते हैं दहेज मांगने वालों की भूख कभी शांत नहीं होती। खैर, प्रेगनेंसी के दौरान भी उसके साथ ऐसी ही मारपीट होती रही और एक दिन परेशान होकर वो अपने मायके भोपाल चली गई। साथ ही दहेज उत्पीड़न का केस भी दर्ज करा दिया। अब राहुल की यहाँ पर हालत खराब, दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज हो चुका था, उसकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती थी, इसलिए उसने हर्षा से माफी मांगना शुरू कर दिया। उससे कहा कि मैं बिल्कुल सुधर जाऊंगा, लेकिन ये केस वापस ले लो। परिवार वालों ने भी हर्षा को समझाना शुरू कर दिया और आखिरकार हर्षा ने केस वापस ले लिया। दूसरी तरफ हर्षा ने एक बेटे को जन्म दिया और बेटे को जन्म देने के बाद वो वापस दिल्ली अपने ससुराल चली गई। अब बेटे के साथ जब वो ससुराल पहुंची तो कुछ दिन तो बिल्कुल सही रहा। फिर एक दिन राहुल हर्षा से कहता है कि वो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में अपने मामा के साथ डेयरी का बिजनेस शुरू करना चाह रहा है और इसलिए हर्षा और उसका पति राहुल दिल्ली से नर्मदापुरम अपने मामा के यहाँ आकर रहने लगे। राहुल का बड़ा भाई तरुण शर्मा भी वहां पर रहता था। लेकिन इस बीच होता यह है कि फिर से हर्षा प्रेग्नेंट हो जाती है। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर 2020 का वक्त आ जाता है। 14 फरवरी 2020 को राहुल देर रात नशे में धुत होकर आता है और फिर हर्षा से मारपीट करने लगता है, उसके कपड़े फाड़ देता है, उसे घर से निकाल देता है। और ये वो वक्त था कि जब हर्षा प्रेग्नेंट थी। वो रात के वक्त अपने बच्चों को लेकर रायसेन अपनी बहन के यहाँ पहुंचती है और फिर वकील से सलाह ली जाती है। इसके बाद दहेज उत्पीड़न के साथ साथ गुजारे भत्ते के लिए भी पिटीशन दायर की जाती है। अब जैसे यहाँ पर पिटीशन दायर होती है, राहुल को इसकी खबर लगती है, वो बुरी तरह से घबरा जाता है। पिटीशन को वापस लेने के लिए वो लगातार दबाव बनाना शुरू करता है। वो हर्षा के परिवार वालों से बात करने लगता है, लेकिन इस बार हर्षा ने ठान लिया था कि अब इसको सबक सिखाना है। वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं होती और इस बीच कोरोना आ जाता है। कुछ दिन बाद राहुल को पेशी में पेश होना था, लेकिन वो नहीं आता। फिर उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया जाता है और गिरफ्तारी के बाद वो पेश होता है
और कोर्ट में गुजारे भत्ते के लिए 50,000 रुपए जमा करवाता है। अब इधर केस चल रहा था, इसी बीच राहुल के मामा हर्षा के जीजा को फोन करते हैं और बताते हैं कि राहुल को कोरोना हो गया और फिर अगले दिन खबर आती है कि राहुल की कोरोना में मौत हो चुकी है। हर्षा इस बात पर यकीन नहीं करती, वो राहुल के परिजनों से संपर्क करती है तो उसके परिजन भी यही कहते हैं कि राहुल की मौत हो चुकी है। अब राहुल की मौत के बाद हर्षा ने भी कोर्ट जाना बंद कर दिया था। उसका कहना था कि जिससे वो गुजारे भत्ते की डिमांड कर रही थी, जब वही नहीं रहा तो वो कोर्ट जाकर करेगी क्या। राहुल की मौत को पूरे 1 साल बीत चुके थे, हर्षा ने किसी तरह अपने आप को संभाल लिया था। तभी 1 साल बाद हर्षा को ये खबर मिलती है कि राहुल के बड़े भाई यानी कि उसके जेठ की मौत हो चुकी है। इस खबर को सुनने के बाद वो अपने ससुराल नर्मदापुरम पहुंचती है। भले ही ससुराल से रिश्ता टूट चुका था लेकिन दुख की घड़ी थी, इसलिए वो शोक में शामिल होने के लिए पहुंच जाती है। अब जब वो उस शोक सभा में बैठी हुई थी तभी उसके पास एक रिश्तेदार आती है, उससे कहती है कि अब तो राहुल और तुम अलग हो चुके हो, दोनों खुश हो गए, वैसे तुम राहुल से मिले कि नहीं। इस बात को सुनकर हर्षा बुरी तरह से गुस्से में आ जाती है और अपने रिश्तेदार से कहती है कि आपको शर्म नहीं आती, आप किस तरह की बातें कर रही हैं, राहुल को मरे हुए पूरे 1 साल बीत चुका है। इस बात को सुनकर उसकी वो रिश्तेदार समझ जाती है कि उसने कुछ गलती की है और वो वहां से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर हर्षा के दिमाग में शक का कीड़ा पैदा हो चुका था। वो तुरंत अपनी सास के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि अब आप मुझे सच सच बताओ कि राहुल के साथ क्या हुआ है, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं पुलिस को अभी बुलाती हूँ। हर्षा की सास घबरा जाती है और सब कुछ सच सच बता देती है। वो कहती है कि राहुल पर दहेज उत्पीड़न का केस हुआ था और उसने बताया कि इस केस में पूरे परिवार की गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए कोरोना के वक्त उन्होंने ये प्लानिंग की कि हर तरफ ये बात फैला देंगे कि राहुल की मौत हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी, अपनी मौत की खबर फैलाने के बाद कोरोना के समय राहुल मोबाइल पर पबजी बहुत खेला करता था और पबजी खेलते खेलते पबजी में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम था कोमल, जो दिल्ली की रहने वाली थी। पबजी खेलते खेलते दोनों में दोस्ती हो गई, दोनों में प्यार हो गया और फिर संबंध स्थापित हो गए। कोमल शादी के लिए फिर राहुल पर दबाव बनाने लगी, उसने कहा कि वो शादी नहीं कर सकता, लेकिन फिर कोमल ने कहा कि उसके पास ऐसे ऐसे सबूत है कि वो जेल भी जा सकता है। दूसरी तरफ राहुल दुनिया की नजरों में पहले ही मर चुका था और फिर दोनों 2020 से एक साथ रहने लगे। अब इस बात को सुनकर हर्षा ने अपनी सास से कोमल का नंबर मांगा। उसे लगा कि जब वो कोमल से बात करेगी तो कोमल भी हैरान रह जाएगी कि उसका पति पहले से शादीशुदा है। लेकिन जब वो फोन लगाती है तो हर्षा खुद हैरान हो जाती है क्योंकि कोमल को सब कुछ पहले से पता था। साथ ही वो ये भी कहती है कि मेरे पति से दूर रहना, वो केवल मेरा पति है। और फिर बाद में ये भी पता चलता है कि कोमल भी पहले से शादीशुदा थी, उसकी शादी परीक्षित दुबे नाम के किसी व्यक्ति से हुई थी, दोनों का केस कोर्ट में भी चल रहा था। इस खबर के सामने आने के बाद हर्षा ने नर्मदापुरम थाने में FIR दर्ज कराई और पुलिस ने उसका अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। जैसे यहाँ पर अरेस्ट वारंट जारी हुआ, राहुल फरार हो गया। इसके बाद इसको लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी थी राहुल की, जिसने कोरोना का कुछ ऐसा फायदा उठाया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बिल्कुल इसी तरह की क्राइम स्टोरी देखने के लिए, सुनने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।